नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल शेत करें। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो हिंदी में है क्योंकि हमारे साथ रॉय सर है जिनका अनुभव है मोती खेती के बारे में। 4 साल का अनुभव है जिन्होंने रिसर्च किया, मोती किस तरह से बनाया जाता है, सर्जरी उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की अब तक। इसी अनुभव को हम तुम्हारे साथ आज बांटने की मतलब कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, आज मैं ये करना चाहूंगा कि बहुत सारे किसान है जिनको हटके कुछ करना है, पल फार्मिंग करनी है, मोती की खेती करनी है, लेकिन कैसे करे, शुरुआत कैसे करे, इसका साइंस क्या है, सब कुछ नहीं पता। तो सबसे पहला आपसे सवाल है कि किस तरह से मोती की खेती की जाती है? पहले तो जय जवान जय किसान, ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। लेकिन ये नारा आज के डेट में हम लोग सबको तब्त करना बहुत जरूरी है। जी। देखिए, एक छोटा सा टैंक बना हुआ है, एक छोटा सा टैंक बना हुआ है, हाँ। इसी के अंदर ही फार्मिंग हो सकता है। इसके अंदर सिपला रखा हुआ है, देखिए प्लीज आइए, इसके अंदर ये सिपला रखा हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये मिट्टी के अंदर है, क्योंकि सिपला जहां से आते हैं वो भी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। तो हम लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं वो भी ऐसे नेचुरल में रहना पसंद करते हैं। साथ में देखिए, दो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए, एक वेव वेव का फील हो रहा है, एक पानी में जी, वेव फील हो रहा है। मतलब वाइब हाँ, थोड़ा एक सा वेव वेव। फील हो रहा है, जो आपको लहर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो लहर के कारण क्या होता है, सिपला को महसूस होता है मैं जहां पे था उधर ही हूँ, मतलब नदी में है नदी और में ही उसको, हूँ या हाँ, आपका ऐसे पौपौन में हूँ। फीलिंग आती है उसको। इसमें हम लोग ऑक्सीजन का देने की कोशिश करते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी कभी कमी पड़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन भी हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं, इसके माध्यम से देखिए बबल्स के माध्यम से ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होता है। उसके फायदा क्या होता है, सिपला का शरीर में जो ऑक्सीजन चाहिए उससे वो ऑक्सीजन इसको फुलफिल हो जाता है। मतलब सबसे पहली बात किसान भाइयों कि हम जब मोती खेती कर रहे हैं तो ये जो सिपला है उसको, उसका इन्वायरमेंट मतलब वो नदी में है ऐसा फील होना चाहिए, उस तरह का वातावरण हमको कस्टमाइज मिलना बोलो चाहिए, बनाना चाहिए। और ये एक टैंक है, मतलब ड्रम बोलते हैं हम मराठी भाषा में इसको, ये एक ड्रम से दो टैंक ऐसे बन सकते बन हैं सकते हैं। और इसका मिनिमम वैल्यू मार्केट में 7। देखिए, अगर छोटा सा इसी ड्रम के मैं प्रयास बात करूं, ये इसका कीमत आज के डेट में 300 रुपया, क्योंकि एक ड्रम हम लोग खरीदेंगे 600 में, तो वो 600 में कट दिया तो 300 हुआ, 300 के बीच में हम लोग 100 सिप का काम कर सकते हैं। 100 सिप मतलब 100 सिपला, राइट। तो उसमें क्या ना, देखिए हम लोग इसके लिए टेम्परेचर भी मेंटेन करने का प्रयास किए, तो इसके अंदर हम लोग 100 सिप रखे। अभी 100 सिप का कीमत कितना है, 3.5 इंटा 100, ये करके चलिए 350 रुपये प्लस। इसके अंदर जो हम लोग ऑपरेशन करेगा कि एमओपी न्यूक्लियस यूज किए, एमओपी न्यूक्लियस इन करके उसके अंदर हम लोग फार्मिंग करने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर भी अच्छे मोती हम लोग को मिल सकते हैं। मतलब किसान भाइयों, ये बनाने के लिए हमको सबसे पहले ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करना होता है, दूसरा ये मशीन जो वाइब्रेशन दे और उनको फील दे, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है उसको भी यहाँ पर मतलब ये कर दिया है। तो ये सब चीज़ों को हमको सबसे पहले मतलब इस पर ध्यान देना है। और ये इस तरह से हमने बनाया मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो इसके अंदर का काम कैसे चलता है, मतलब मोती का जो सर्जरी होता है सिपला का, तो वो किस तरह से बनाया जाता है, तो यहाँ पर किसान भाइयों के लिए हम दिखाएंगे सर वो मतलब किस तरह से सर्जरी की जाती देखिए, है। ये है एमओपी न्यूक्लियस, ये जो है एमओपी न्यूक्लियस, ये चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिपला के अंदर प्रवेश करवाते हैं। जी। इस तरह से हम लोग इसके अंदर में प्रवेश करवाते हैं। प्रवेश करने के बाद इसको मेंटल टिश्यू बोलते हैं, एक पार्ट मैं एक छोटा सा वीडियो दूंगा आपको साइंस का। इसको ऊपर नेकर का पर्दा पड़ते हैं, तो जी। नेकर जमते 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 कि मोती का रूप लेते हैं। जब ये मोती बन जाते हैं तब जब वो मोती इस टाइप का मोती बनता है, ये देखा है नेचुरल मोती है, ये इस टाइप का आपका एक मोती कल्चर मोती बन सकते हैं, जो इंडिया में ही बना हुआ है, जो इंडिया में बना हुआ है ये। जी, मतलब इस तरह से कोई सर, मतलब सर एक और सवाल कि किसान भाई है, मतलब बहुत सारे किसान भाई है जो शिक्षा के बारे में बहुत नहीं जानते, मतलब अनपढ़ है, वो सर्जरी वगैरह है इसको कोई दिक्कत नहीं है मतलब? सर देखिए, इसके लिए सपोर्ट हम लोग देने के प्रयास कर रहे हैं। आप सारे एनवायरमेंट भी देखा ऑफिस का, हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टम बना के रखे, क्योंकि सर सिंपल सा बात है, स्कूल हम लोग क्यों जाते हैं, स्कूल हम लोग पढ़ाई सीखने के लिए जाते हैं जी। प्लस सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो स्कूल में क्या था, अलग अलग टीचर रहे थे, अगर वही चीज हम लोग को घर पे चाहिए होता तो घर पे एक ही टीचर मिलता, तो ये भी सेम सिस्टम है। इसमें क्या है ना, ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज भी पड़ा हुआ है, लेकिन सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, हर टाइम सपोर्ट चाहिए। जैसे इसमें सर्जरी, मुख से मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्जरी इतना आसान नहीं है, जी, लेकिन मतलब इतना भी आसान बोलने है, इतना आसान नहीं हो करने को। लेकिन उतना आसान भी है। जी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए
सबसे पहले सिप्ला जब आते हैं उसको क्रिटिकल केयर में रखते हैं हम लोग। क्रिटिकल केयर के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिप्ला को प्री ऑपरेशन केयर में रखते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर में रखते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग सिप्ला को क्या करते हैं, उस टाइम पे सिप्ला को दवाई में रखते हैं हम लोग, मेडिसिन में रखते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग इंसान को भी कोई ऑपरेशन हो, आप देखेंगे उससे पहले दिन उसको भोजन बंद कर देंगे, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा जाता है। तो ये है आईसीयू, इस टाइप के पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग बनाते हैं, इस टाइप के पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग बनाते हैं। तो उसमें आईसीयू को फील होता, उसको शरीर में कुछ हम लोग प्रवेश करवाया, कहीं ना कहीं उसको चोट लग सकता है, तो चोट लगने के कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उस चोट को मिट जाता है। जैसे हम लोग का भी ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब ऑपरेशन हुआ है, कट अच्छा हुआ है, तो ये धीरे धीरे करके मिट जाते हैं। मिटने के बाद मेन टैंक ये है, मेन टैंक में हम लोग उस सिप्ला को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 साल डिपेंड करते हैं आप कितना अच्छा फार्मिंग कर पाएंगे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये फिट के लिए एल्गी, फिट के लिए आपका न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन, ये सब खाना है, ये सब उसको खाना है। ये आपका फीड में एल्गी आ गया, फीड में आपको न्यूट्रिशन आ गया, फीड में आपका मेडिसिन आ गया, ये सब इसका खाना ही है। तो ये सब आपको जब हम लोग प्रोवाइड करते तब जाके वो सिप्ला बिल्कुल उसका शरीर में तंदुरुस्त रहते हैं, तब जाके इतना अच्छा मोतियों बना पाते। सर मतलब ऐसा कुछ बताया जा सकता है कि एक मोती बनने के लिए कितना समय लगेगा? सर कम से कम 1 साल के ओवर, 1 से 1.5 साल के बीच में, मतलब 1 साल के आगे ही लगेगा एक मोती बनना है तो। और इसका सर्जरी वगैरह सर आजकल मतलब कस्टमाइज शेप भी, मतलब मोती के जो मनचाह से आकार उसका मिल जाता है, तो उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है? सर देखिए कस्टमाइज हम लोग भी बनाने का प्रयास किए थे, ये हार्ट बीट हेडपिन बोल सकते हैं, हार्ट बीट ये आपका बेसिकली यूज होता है आपका लॉकेट के लिए जी। लेकिन इन प्रॉब्लम क्या होता है, जब नेकर जिस टाइम के निकलते हैं, नेकर 180 डिग्री एंगल से नेकर निकलता है, बस उसका ये करता है पिचकरी जैसे बिल्कुल, तो इसमें क्या ना कहीं ना कहीं इसका हर जगह पे अच्छा नहीं बन पाते, प्लस मार्केट में इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू उतना नहीं मिल पाते। इसका वैल्यू जितना होता है, क्योंकि ये कान के लिए, कान के बाली के लिए यूज होता है, अंगूठी के लिए यूज होता है, इवन अभी तो दुबई में आपका शेख जो शेख होता है उनका जो बुरखा होता है शादी के टाइम, वो बुरखा में भी मोती का यूज होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो गोल मोती है सर्कुलर मोती है तो वो यूज होते हैं। और सर ये सब करते समय मतलब किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किसान? सबसे पहले तो वाटर, देखिए हम लोग एक वाटर टेस्ट किट रखने का प्रयास किए, वाटर टेस्ट किट में देखिए आपका पीएच, टीडीएस, अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारे इसका वैल्यू दिखाना बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर सर्जरी किट, सर्जरी किट में हम लोग स्पैचुला, आउटर, ओपेनर, ये सब चीज को हम लोग सर्जरी किट में यूजेस करते हैं। प्लस हम लोग क्या करते हैं, जो एमओपी न्यूक्लियस मेन, ये न्यूक्लियस जो यूज करते हैं बायोकोडेड न्यूक्लियस है, ये बायोकोडेड न्यूक्लियस होने के कारण क्या होता है, इसका डीएनए और सिप्ला का डीएनए सेम होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता शरीर में, कोई इरिटेट फील ज्यादा नहीं हो पाता है, इसके कारण वो अच्छे मोती दे पाता है। ये सब बात हो गई, मतलब एक सिप्ला का उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, उसको दवाइयाँ भी मतलब मेडिसिन देने पड़ती है, उसका फूड भी है, कौन सा भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है? अगर एक आम किसान ये बिजनेस में आता है तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, मतलब कितना उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको मिलेगा कितना? देखिए एक सिप्ला है, ये तो मरा हुआ सिप्ला है, ये अगर जिंदा रहता है, जैसे जिंदा सिप्ला उधर है, एक जिंदा सिप्ले का कीमत जैसे मेरे पास है 3.50 रुपए, मार्केट में कोई 25 भी बेचता है, कोई 15 भी बेचता है, लेकिन इसका कीमत मेरे ख्याल से 3 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। पहले बात तो एक कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, 3.5 रुपए एक सिप्ला का कीमत है, इसके अंदर में हम लोग दो दो करके न्यूक्लियस यूज किए, दो दो करके न्यूक्लियस यूज किया था, एक सिप्ला के अंदर दो न्यूक्लियस यूज किए थे, एक पार्ट इधर एक पार्ट उसपे, ठीक है। एक न्यूक्लियस का कीमत, ये बायोकोडेड न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस का कीमत है मेरे पास 5.5 रुपए, मतलब कितना हुआ 5.5 11 रुपया और 3.5 14 रुपया, ये आपका मेन कॉस्टिंग आ गया। अभी इसके साथ हम लोग एल्गी, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, टोटल अगर पकड़ के चले सर्कुलेट में रनिंग कैपिटल में, तो एक सिप्ला के ऊपर खर्चा होना चाहिए 16 रुपया, लेकिन मोती कितना बनेगा,16 रुपया, मतलब एक मोती का कीमत कितना हो रहा है 8 रुपये। जाहिर से नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग कई ऑर्नामेंट्स का शॉप में जाए, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जहाँ पे मिलते, क्योंकि हम लोग के घर पे माँ बहन बेबी वाइफ किसी को भी साथ में हम लोग जाए,
नॉर्मल सा अगर बाली भी लेने जाए तो 100 से 150 रुपये आते, तो ये इसका कीमत कितना है? 8 रुपये. कि 8 से 20 रुपये मोती नहीं बेच सकते हम लोग, मतलब इसका मार्केट है, मतलब इसका मार्केट है, सिर्फ उसको कहना क्वालिटी मोती बनाना पड़ेगा तभी जाके वो बिके. अब मार्केट में इस तरह की भी कुछ अफवाह है कि एक मोती 800-1000 मतलब 1000 तक बिक जाता है, सच में इतना मुनाफा मिलता है? सही बात है बिल्कुल. एक्चुअली जो मोती का देखिए दो टाइप है, एक तो कल्चर मोती, एक अपन नेचुरल मोती. जैसे आपको मैं दिखाया था, ये देखिए नेचुरल मोती बनने जा रहे थे, ये नहीं बन पाए, उससे पहले शायद हम लोग इसको निकाल दिए, ये नेचुरल मोती बनने जा रहे थे. अगर यही नेचुरल मोती जब बनता है, जो फॉरेन से आते हैं नेचुरल मोती, उसको बोलते हैं बसरा मोती. एक बसरा मोती 4.5-5 लाख का कीमत होता है. लेकिन सर यूनिक भी होगा, यूनिक भी होता है. नहीं, वो एक्चुअली क्या ना देखिए, गोल्ड आप काफी लोग गोल्ड भी पहनते, काफी लोग गोल्ड का रिप्लिका भी पहनते हैं. जिसको समझ में आते उसको समझ में आते वो गोल्ड है, जिसको समझ में नहीं आते उसको समझ में नहीं आते गोल्ड नहीं है. तो ये भी सही है. तो मोती क्या ना, मोती का कोई कीमत नहीं है, कीमत उसका डिपेंड करते है उसका क्वालिटी के ऊपर. मतलब जो नेचुरल मोती है उसका कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कौन से शिप्ला में है, कहाँ पे, ये सब हम नहीं बता सकते. और वो मतलब बहुत यूनिक कभी मिलता होगा जी. ये सब जानकारी हुई कि मोती की खेती किस तरह से की जाती है, सर्जरी उसके किस तरह से, उसका मार्केट क्या, मतलब अगर एक किसान उसका मार्केटिंग कैसा करना चाहिए? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कोई भी बिजनेस करो पहले तो सेल के बारे में सोचो. मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं हुआ, वो अपना शौक पाला. तो इसका जो मेन काम होता है इसका, देखिए ये तो हमने बना लिए अभी तक, जो हम लोग बात की चर्चा की हमने बना लिया, इतने अच्छा बन भी गया. हम लोग हार्वेस्टिंग किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्टिफिकेट के लिए GIE कर सकते हैं, GIE जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है जेम्स के ऊपर, वो सर्टिफिकेशन में बता देंगे आपको कितनी इसके अंदर में डेपनेस है नेकर का, उस नेकर का डेपनेस के ऊपर उसका कीमत तय होगा. सिंपल. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका हैदराबाद हो, जयपुर में, उधर जाकर हम लोग बात कर सकते हैं, जी हमारे पास इस टाइप का मोती है, आप मुझे रेट दीजिए, मेरे पास 1000 मोती है, 1200 मोती है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन रेट दे देते हैं. मैंने जो मोती बेचा सर 45-50 के ऊपर रेट नहीं जाते, लेकिन वही मोती मैंने खुद देखा आफ्टर पॉलिश के बाद 1200 में बिक रहा है. पॉलिश करने से पहले मोती का रेट, मतलब तुम अगर बेचने जाओ तो 50-60 रुपए तक आ सकता है, 100 रुपए तक ज्यादा ज्यादा आ सकता है, लेकिन पॉलिश करने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है और वो सब मुनाफा किसान को नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, बिजनेसमैन को ही मिल पाते, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन में किसान को भी मिलेगा. जैसे अभी रिलायंस कंपनी डायरेक्ट सब्जी किसान से ले रहे, हो सकता है आने वाले दिन मिलेगा, लेकिन नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं. अभी तो सिर्फ हमने मोती का बात की, अभी दो चार चीज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो शायद कोई लोग जानते या जानने का प्रयास नहीं किया कभी. ये जो है प्योर कैल्शियम है, प्योर ये कैल्शियम को डस्ट करने के बाद पशु का खाना बनता है. पशु का जो आपका उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड, जैसे इंसान भी लेते हैं वो सप्लीमेंट्री फूड बनते पशु का, मतलब ये भी बिक सकता है. इसके अंदर का जो मांस है उसके उससे दवाई बनता है. ऑलरेडी इंडिया में भी वो दवाई बनना शुरू हो चुका है. उसमें क्या होता है, अर्थराइटिस आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गठिया अर्थराइटिस जो बदन का दर्द बोलते हैं हम लोग, उसका दवाई बनता है इसके अंदर का जो मांस है उससे. प्लस जो मोती अच्छा नहीं बन पाते उसके ऊपर का नेकर निकलने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है. जो हम लोग भी जानते हैं, अगर फेसियल करने जाए, शायद कभी हम लोग सुने फेसियल, कौन सा फेसियल, पल फेसियल, मतलब मोती का फेसियल, राइट. फिर उसके बाद और क्या यूज होता है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री. आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं बताने जा रहा हूँ, मोती जलते नहीं है, इसमें इससे मतलब, आग से आप जला नहीं सकते, मतलब सच्चे मोती की पहचान यही है, आप इसको जला नहीं सकते, आप जला नहीं सकते, आप इसको जला नहीं सकते, तो मोती जलते नहीं है. तो इसके कारण केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूजेस बहुत ज्यादा है. प्लस फायर इंडस्ट्री जहाँ पे आग से ही खेल होता है, उस इंडस्ट्री में इसका भी यूजेस है. मतलब मैंने मोती भी बनाया, ये जो है ये भी बेचा, प्लस इसके अंदर जो मांस है वो भी मैंने बेचा, सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन ओपन नॉलेज के साथ, ओपन नॉलेज के साथ. आपका जो प्रयास है, आपके प्रयास के साथ हम लोग भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए मैंने पिछले अभी अभी बताया था 47,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में है. अगर एज पर माई कैलकुलेशन बताओ तो हजारों नौजवान इस लाइन पे आ सकते, कर सकते, क्योंकि आपने देखा है छोटा सा एक टैंक यूजेस होता है, इन्वेस्ट भी कुछ नहीं है, कोई भी अगर पानी का गल्ला भी लगाए तो कम से 2 लाख का इन्वेस्ट है. उसके पता चले पानी इसके इन्वेस्टमेंट में कोई गवर्नमेंट सरकार कुछ देती है? हाँ, सब्सिडी है, 60% सब्सिडी प्रोवाइड है एक्वाकल्चर में, जिसमें फिश कल्चर भी है, मोती आपका पल कल्चर भी है. लेकिन दुर्भाग्य के विषय ये है, मेरे पास अभी तक जितना नॉलेज है
मुझे नहीं लगा किसी को मिला। ये हो सकता है लेफ्ट सर्विस ऑफ बाई गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है शायद हम लोग पेपर्स प्रयास ठीक से नहीं कर पाए, इसके लिए होप नहीं पाए। क्योंकि अभी मैंने मेरे साथ जो काफी मित्र लोग जुड़ा, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसमें मोती क्षेत्र में भी काम चलता है, तो वो लोग जब स्टॉल होता है, गवर्नमेंट का कोई बड़े लेवल का कोई मंत्री आते हैं तो उनको देखते हो, काफी अप्रिशिएट भी करते, मतलब गवर्नमेंट का नजर है। इवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर भी स्पीच भी दिया था मन के बात में, उन्होंने बोला था नौजवान की इस लाइन पे आना चाहिए, उनका सोच भी है इस लाइन पे आना चाहिए, लेकिन क्या ना गवर्नमेंट को और थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा। अगर हम लोग को कुछ अगर सब्सिडी मिल जाए, जैसे तालों के लिए पैसा मिलता है, इसके लिए मिलता है, तो क्या ना काफी सारे नौजवान ज्यादा करके जो घर पे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है ये। बाकी हम लोग देखिए एक छोटा सा प्रयास किया, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, इसका 999 उसका चार्जेस रखे हम लोग लाइफ टाइम के लिए, उसमें क्या है ना 1,001 रुपया आपका मेरा 999, तो उसमें क्या है ना उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं उसका लाइफ टाइम एक यूनिक पासवर्ड दिया जा रहा है उनको, जब भी लगे देखिए फार्मिंग आज मैंने आपको सिखाया कल आप भूल जाएंगे जी। तो हम लोग क्या किया जो आपको उसका जो पासवर्ड मिला आप जब मर्जी उसको पासवर्ड से आप खोल के देख सकते हैं, हाँ उस जगह में ये बोला हुआ था ये मैं कर सकता हूँ, मैंने प्रॉपर एक गाइडेंस मिल रहे हैं। प्लस हम लोग 5 तारीख से आपका चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, 5 तारीख से हम लोग क्या कर रहे हैं एक सॉल्यूशन क्लास रखने का विचार बनाया हम लोग जूम क्लास के माध्यम से डेली 3:30 से 4:30, कोई भी फार्मर कोई भी हो कहीं से भी ट्रेनिंग लिया कहीं से भी हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर उनको सही में अच्छी फार्मिंग करना है, अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। प्लस मेरे साथ में काफी मैंने भी काफी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, मैं एक रिसर्चर हूँ छोटा सा, मैं रिसर्च करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जुड़ा हुआ है, जो जिससे मैंने ज्ञान लेता हूँ, जिससे मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, जैसे मैं जिनको गुरु जी मानता हूँ, के जी माता चंद सर, अजय सोनकर सर से का आर्टिकल से मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास किए, तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हैं साउथ की तरफ से, तो वो साइंटिस्ट से हम लोग भी ये करते जो और बेटर हम लोग कैसे बना सकते। जैसे आप देखिए छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कालार मोती है इस टाइप का ब्लैक मोती अजय सोनकर सर ने ऑलरेडी बनाया इंडिया में, अगर सर ने बनाया तो हम लोग भी बना सकते हैं, सिर्फ प्रयास होना चाहिए और सिर्फ इसका सिस्टम होना चाहिए, ये हम लोग भी कैसे बनाए। तो ये मोती आपको मेक्सिको से ले आने का कोई जरूरत नहीं, इंडिया में बन सकते जी। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, देखिए फैशन इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा बॉस जी, वो तो है, फैशन इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि लेडीज का जो शौक होता है आज जो पहनते कालो पहनने का विचार नहीं बनते उनका, मतलब फैशन इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म होगा। तो फैशन इंडस्ट्री जब तक रहेंगे मोती का मार्केट तब तक रहेंगे, बाकी तो आपको मैं बताया और क्या क्या चीज हो सकते हैं जी। तो दोस्तों ये थे रॉय सर, जिन्होंने मोती फार्मिंग के बारे में सब कुछ डिटेल्स में हमें बताया, किस तरह से सर्जरी की जाती है, और उनका प्रशिक्षण भी चलता रहता है जूम के माध्यम से, वो मतलब आने वाले कई दिनों में वो मीटिंग के माध्यम से लोगों को सिखाना भी चाहते हैं। तो सर से जुड़ सकते हैं आप, सर का नंबर मैं दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप जुड़ जाइए और ये मोती की खेती किस तरह से की जाती है सब कुछ आप उनसे राय ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।